हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल फॉर यू में। तो आज हम लोग है फिजिक्स सिलेबस क्लास 9 का, क्या क्या रिडक्शन हुआ है क्लास 9 के फिजिक्स के सिलेबस में, आज रिड्यूस सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर फिजिक्स का अपना जर्नी हम लोग शुरू करेंगे। पहले सिलेबस को जान लेते हैं, फिर जर्नी फिजिक्स का आप लोग का मैं शुरू करूंगा। मैथ्स का शुरू हो चुका है, फिजिक्स का आने वाले लेक्चर्स में होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या पोर्शन अभी के लिए कोरोना काल में क्या क्या डिक्रीज कर दिया गया, क्या बेनिफिट्स आप लोग को मिला है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला चैप्टर है जो हमारा मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन है, इसका मेन पार्ट ही हटा दिया। इसका मेन पार्ट क्या था, हमारा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो थे, वो किन प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, कैसे वर्क करता है, वो पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है। उस पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है, उसी पोर्शन से न्यूमेरिकल्स भी होते थे तो न्यूमेरिकल्स भी ऑलमोस्ट अब नहीं आएंगे, जब वो पढ़ना नहीं है तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर में है मोशन इन वन डायमेंशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन जो था पहले डिराइव करना था, जितने भी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थे उनका डेरिवेशन था, अब उस डेरिवेशन को रिड्यूस कर दिया है, बोला कि डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लीजिए और उससे रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा, डेरिवेशन आपको नहीं करना है, डेरिवेशन पोर्शन उसमें से हटा दिया है, बाकी सब कुछ है, बस यही v = u + at, s = ut + half at square और v square - u square = 2as वाला जो हमारे पास फार्मूला का डेरिवेशन पार्ट था, उस डेरिवेशन पार्ट को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद चैप्टर 3 है लॉ ऑफ मोशन, फिर चैप्टर 4-5 रिलेटेड टू फ्लूइड एंड अपथ्रस्ट फोर्स है, इन सब में से किसी भी पोर्शन को नहीं हटाया गया, देयर इज नो चेंज, पूरा का पूरा एज इट इज है, सब कुछ पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं हीट एंड एनर्जी, तो हीट एंड एनर्जी में हमें एनर्जी फ्लो डायग्राम जो था और उसका इंपॉर्टेंस, कैसे एनर्जी फ्लो करता है, हर लेवल पे कितना रिड्यूस होता है, वो पोर्शन को हटा दिया गया है और एनर्जी सोर्सेस वाले पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है, बाकी सब कुछ है, हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी लगभग सब कुछ है, बस साइन कन्वेक्शन को हटा दिया है और एक f equal to r by 2 उसका डेरिवेशन था वो रिड्यूस कर दिया है, f equal to r by 2 focal length is half of radius of curvature उसका डेरिवेशन था, वो पोर्शन हटा दिया और उसके आगे जो साइन कन्वेक्शन था और उससे रिलेटेड मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन था उसको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ये लाइट का था रिडक्शन। फिर आते हैं साउंड वेव्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कोई रिडक्शन नहीं, साउंड वेव और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एज इट इज जो है सब कुछ पढ़ना, उसमें कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं टेंथ में, तो टेंथ में मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म में शुरू के सारे पोर्शंस को हमें पढ़ना है, बस लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो यानी कि हम देखें तो हमारे पास क्या है, ओवरऑल 2 चैप्टर यहां से और 3 चैप्टर यहां से, 5 चैप्टर में तो कोई चेंज नहीं है, आउट ऑफ 10 में 5 में कोई चेंज नहीं है, और 5 चैप्टर में चेंजेस हैं उसमें मेजर चेंज मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि यहां से इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हटा दिया और इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन थोड़ा सा आप लोग जानते तो और बेटर होता, बाकी सब छोटा छोटा चीज को हटाया है, ये एनर्जी फ्लो और उसका इंपॉर्टेंस और एनर्जी सोर्सेस आप लोग क्लास 8 में ही पढ़ते आ रहे हैं, कैसे एनर्जी चेंज फ्लो करता है, तो वो सारी चीजें आपको पहले से मालूम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसका यूज क्लास 8 में आप पढ़े हैं, ये भी कोई खास फर्क नहीं डालने वाला, इलेक्ट्रिक बेल सब बेल पढ़ के आए हैं वो, तो वही सारी चीजें पढ़नी थी, लेकिन ये जो साइन कन्वेक्शन हटा दिया यहां से और यहां से जो ये इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया, ये मेजर पोर्शन जो डिक्रीज हुआ है जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, यहां से क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे, और यस बाकी सब चीज तो है ही, 5 चैप्टर का सब कुछ पढ़ना है, बाकी 5 में से थोड़ा थोड़ा रिडक्शन हुआ, तो होपफुली जो रिड्यूस सिलेबस है बहुत थोड़ा है, मतलब 10-15% ही मान के चलो, उसको बहुत ज्यादा नहीं मान के चलना है, चैप्टर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, 10-15% का ही रिडक्शन हुआ। तो हम लोग शुरुआत क्या करेंगे कि जिसमें से नहीं हटा है, जिन जिन चैप्टर्स में से नहीं हटा, जैसे मोशन यहाँ पे है, लॉ ऑफ मोशन है, तो उसके लिए तो मोशन पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग चैप्टर 2 से शुरू करेंगे और उसके आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर 1 लास्ट में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसका मेजर पोर्शन को हटा दिया गया, तो हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे चैप्टर 2 लेंगे और वहां से शुरू करेंगे, देन आगे की तरफ हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो ये आपका था सिलेबस डिस्कशन।